सौरा बहुत देर हो रही है यार, जल्दी करो प्लीज। आई, ये लो तुम्हारा फोन, पर्स, गाड़ी की चाबी। अच्छा ठीक है, और वो टिफिन और लंच बॉक्स? अरे हाँ भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। ये लो तुम्हारा लंच और पानी। सौरा ये सब क्या है, ये बॉटल बिना कैप की और ये लंच बॉक्स बिना ढक्कन के? हाँ तो क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी किसी बात से नाराज वराज हो क्या? मैं नहीं तो? अरे तो फिर ये सब क्या है यार, सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? कैप नहीं है इसकी, ना इसकी कैप है, चल क्या रहा है यार ये? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, ले जाओ ना, ऐसे क्या हो गया? यार सौरा तुम कैसी बात कर रही हो, कैसे ले जाऊंगा? एक बात बताओ, अगर ये बॉटल मैंने ऐसे बैग में रख ली और ये गिर गई गलती से, तो पूरा का पूरा लैपटॉप खराब हो जाएगा। और रही बात इस लंच बॉक्स की, गाड़ी में अगर ऐसे रख दिया, गाड़ी तो गंदी होगी होगी, अलग से मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे यार। यार मैं रोज तो अच्छे से खाना देती हूँ ना, अगर आज तुम ऐसे खाना ले जाओगे तो कौन सी नई बात हो जाएगी? अरे तो भाई नई बात नहीं है, तो जैसे डेली खाना देती हूँ वैसे ही दे दो ना, इसे अच्छी तरह से पैक करके। नहीं आज तुम्हें ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा बस। अरे भाई ये क्या बात हुई, जैसे डेली पैक करके देती हूँ आज भी वैसे ही पैक करके दे दो ना यार, जिससे मैं इस खाने और पानी की बोतल को बिल्कुल सेफली और बेफिक्र होकर लेकर जाऊँ। अच्छा तो मैं टिफिन की, पानी की बोतल की सेफ्टी की बहुत चिंता है, अगर ये कुछ गिर गया तो तुम्हारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन खुद की सेफ्टी के बारे में कभी सोचा है तुमने? खुद की सेफ्टी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। कल देखा था मैंने तुम्हें, तुम कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, ना ही तुमने सीट बेल्ट लगाई थी। तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मैं कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभार ऐसी ड्राइविंग करनी पड़ती है। तुम्हें पता है ना मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए इतना लेट हो गया था, और फिर ऑफिस लेट पहुंचता तो बॉस की डांट मिलती, उसकी वजह से पूरा मूड खराब हो जाता और फिर दिन वेस्ट। सागर जहाँ तुम 10 मिनट लेट हो रहे हो वहाँ 5 मिनट और सही। मैं समझती हूँ कि टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि तुम सही सलामत पहुँचो। एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है कि पानी की बोतल का ढक्कन नहीं होगा तो पानी के गिरने के चांसेस हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, लैपटॉप खराब हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, लेकिन कभी तुमने खुद के बारे में नहीं सोचा कि तुम गाड़ी इतनी ओवर स्पीड में चलाओगे, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? और एक बात बताओ, तुम्हारा चालान कट जाता तो? अरे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज तक मेरा कभी चालान नहीं कटा, और जिस रोड से मैं जाता हूँ ना डेली का मेरा वहीं से आने जाना है, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता। अच्छा मतलब अगर तुम रूल्स फॉलो करोगे तो सिर्फ पुलिस के डर से, चालान के डर से, खुद की सेफ्टी के बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? ए यार तुम बिना इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, और वैसे भी 16 साल की उम्र से ड्राइविंग कर रहा हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा यार पागल। सागर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, और अपनी बेवकूफी को अपनी समझदारी समझना बंद करो, समझे तुम? और एक बात बताओ मुझे, जैसे तुम गाड़ी चलाते हो वैसे मैं चलाने लग गई तो, ओवर स्पीड में फोन पे बात करते हुए बिना सीट बेल्ट के, और मुझे कुछ हो गया तो तुम कितने परेशान होगे, कभी सोचा है? तो तुम सोचो ना मुझे कितनी चिंता लगी रहती है तुम्हारी, जब तुम सुबह चले जाते हो, मैं तो पूरे दिन घर पे रहती हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, आए दिन टीवी पे इतने एक्सीडेंट केस आते हैं, सोशल मीडिया पे इतने एक्सीडेंट केस आते हैं, मैं जानती हूँ मुझे कितना बुरा लगता है। सागर खुद की सेफ्टी ना अपने ही हाथों में होती है, तो प्लीज अपने बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, अब मुझे पता लगा कि तुमने जान पूछ कर इस बॉटल की कैप और लंच बॉक्स की कैप मेरे को क्यों नहीं दी, क्योंकि तुम मुझे सब समझाना चाहती थी ना। ठीक है बाबा मैं सब कुछ समझ गया, और हाँ अब से ड्राइविंग बिल्कुल लिमिट में करूँगा, जिस रोड पे जितनी स्पीड लिमिट होगी गाड़ी भी उतनी चलाऊँगा, और रही बात ट्रैफिक रूल्स की तो उनको अब से हमेशा फॉलो करूँगा, चाहे फिर पुलिस वाले खड़े हो या ना हो, पक्का आई प्रॉमिस यू। थैंक गॉड तुम समझ गए, मैं बस यही चाहती थी कि तुम खुद का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे पीछे हम लोग भी हैं। अच्छा ठीक है मेरी लेडी गागा, अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो तो इसकी कैप लेके आ जाओ फटाफट, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ।